हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी का आज की मेरे नए ब्लॉग में, ट्रिप टू ठियोग। आज मेरा सफर ठियोग की तरफ और आपको आज ले चलूंगा ठियोग। और जो सामने आपको नजर आ रहा है ये है जी ठियोग, शिमला जिले का ठियोग कस्बा है ये। और ये पॉइंट भी बहुत ठंड में बहुत ठंडा है और यहाँ पे जो सराउंडिंग इलाके हैं उसका ये हेडक्वार्टर है, एक तरह से तहसील हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे स्थानीय यहाँ के लोगों की चहलकदमी यहाँ पे काफ़ी रहती है, शॉपिंग सेंटर एक तरह से यहाँ के लोगों का। तो जो लोग सराउंडिंग इलाके से अपनी परचेजिंग के लिए आते हैं या कुछ रोज़मर्रा का सामान लेना हो तो ठियोग ज़रूर विजिट करते हैं। और यहाँ का शाली बाज़ार, कभी इस ठियोग में आओ तो शाली बाज़ार को ज़रूर आप विजिट करें, तो आपको वहाँ पे अपनी ज़रूरत की हर एक वस्तु की दुकानें मिलेगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो शादी ब्याह की जो परचेजिंग करते हैं वो शाली बाज़ार के अच्छी दुकानों से करना भी पसंद करते हैं। खैर अब तो लोगों की अप्रोच बड़े बड़े शहरों को हो गई है, लेकिन पहले इन छोटे छोटे कस्बों में ही लोग अपनी परचेजिंग किया करते थे। अरे जाम कुछ ज़्यादा ही लग गया है, ओह वहाँ कुछ लोचा हो गया जनाब, लोचा हो गया, कुछ क्या हो गया, ट्रक उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। कभी बेतरतीब बीच में गाड़ियां खड़ी हो जाती है, इससे तगड़ा जाम लग जाता है। यहां से बाईपास निकल रहा है ठियोग बाईपास, जिनको कोटखाई या रामपुर या आगे किन्नौर की तरफ जाना है वो कुछ दिनों से इस बाईपास से सीधे आगे प्रेम घाट, आगे जो स्टेशन है ठियोग से आगे जो चौक है वहाँ को निकल पाएंगे। उनको जो ये जाम का सामना करना पड़ता है ठियोग बाज़ार से लेके आगे, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बाहर बाहर से आराम से निकल पाएंगे। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, तो जब ये शुरू हो जाएगा तो अच्छी सुविधा हो जाएगी जी। ये है जी ठियोग और रही घाट, रही घाट शिमला के ठियोग का रही घाट। यहाँ जब भी आओ तो धूल रहती है, ये हमेशा मैंने पाया है, यहाँ की धूल कभी कम नहीं हुई, हमेशा धूल से भरा रहता है रही घाट। और बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाता है। अब ये पता नहीं इसके पीछे कारण क्या होगा यहाँ का, ये देखो भारी भरकम। बड़े बड़े ट्रले आ रहे जनाब आगे से, सेब से लदे बड़े बड़े ट्रक, हिमाचल का सेब जा रहा है जनाब राजस्थान। अब हम एक तरह से ठियोग ही पहुंच गए हैं। ठियोग का ही हिस्सा है रही घाट, बस यहां से 500 मीटर आगे ठियोग का बाजार शुरू हो जाएगा। बहुत धूल है, पीछे बहुत बारिश थी और यहां बारिश नहीं है, धूल है, धूल अलग अलग नज़ारे हैं जनाब, कहीं बरसात कहीं सूखा कहीं बाढ़। तो ये है जी डीएवी स्कूल ठियोग, यहाँ से ऊपर है जी। अब
रामपुर की दूरी यहाँ से 100 किलोमीटर और कौरिक 325 किलोमीटर। कौरिक आता है समदो, किन्नौर के आगे समदो आता है, समदो से शुरू हो जाता है लाहौल स्पीति। तो समदो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कौरिक 17 किलोमीटर अंदर जाना, वहाँ के लिए आम आदमी नहीं जा सकते, सिविलियन नहीं जा सकते, क्योंकि आगे बॉर्डर का इलाका है। तो वो है जी ये कौरिक, कौरिक 325 किलोमीटर ठियोग से, और रामपुर 100 किलोमीटर। जी ये है वादियाँ ठियोग की। ठियोग की वेजिटेशन ऑलमोस्ट शिमला जैसी है, केलों के देवदार के पेड़, और सारा कुछ वैसा वैसा ही है। बारिश भी खूब होती है और बर्फ भी खूब पड़ती है। ये है जी हम इस वक्त ठियोग के बाजार में। ठियोका बाजार जो शाली बाजार जो मैं कह रहा था यहाँ ऊपर है, आपको ये पौड़ियाँ किसी भी पौड़ी से ऊपर चढ़ जाएं तो शाली बाजार, ये जो पौड़ियाँ जा रही है सीधी शाली बाजार जा रही है जी। बीच बीच में से काफ़ी पौड़ियाँ हैं। ये है यहाँ का लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस। यहाँ कॉलेज, हॉस्पिटल, एवरीथिंग है जी, सभी चीज़ के ऑफिसेज आपको मिलेंगे जो एक तहसील हेडक्वार्टर में होने चाहिए। ये यहाँ का बस स्टॉपेज और ऑन दी रोड बाजार जो चलता है। ला 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 ला, ये है जी साइकिल की दुकान भी है जनाब, साइकिल लेनी हो साइकिल भी ले लें, सब्जी भाजी और सुपरमार्केट। ये सुपरमार्केट है जी ठियोग की सामने। ये गया शाली बाजार को जो रास्ता गया, ये है जी आगे। पेट्रोल पंप ठियोग, अब ये पॉइंट है आगे जो चौक आने वाला है, ये इस पॉइंट पे वो जो मैं पीछे बात कर रहा था जो बाईपास आएगा उससे आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पहुँच पाएंगे। लेकिन जब ये शुरू होगा तो जो सीधा रोड चला गया वो तो चला गया जी रोड किन्नौर रामपुर के लिए, हम मुड़ जाएंगे कोटखाई की तरफ, रोडू की तरफ। ये हम निकल गए इधर, और ये था राइट साइड को, और ये है वो पॉइंट जहाँ पे हमारा जो बाईपास रोड मिलेगा। अब यहाँ से शुरू हो जाती है उतराई, यहाँ से छेला तक की उतराई है। तो बस अब आ गया है वक्त अलविदा कहने का। आज मेरा सफ़र था ठियोग तक का। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।